ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस भट्टी के प्रथम सत्र में हमने जो जीवन के लिए और ईश्वरीय जीवन का जो प्रथम पाठ है आत्मज्ञानी बनने की थोड़ी सी पृष्ठभूमि और आशा है कि उसको अपने जीवन में लाएंगे। आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, आत्मज्ञानी स्थिति, अशरीरी बनना, विदेही बनना और निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, हम सब ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है। ये कहने की बात नहीं, लेकिन बाबा ने कई बार कहा है कि आत्मज्ञानी स्थिति जब हम बनाई रहेगी तो ही हम देह भान से मुक्त हो सकेंगे। देह अभिमान में रहने से हमारी इंद्रियां चलायमान होती हैं, देह अभिमान में रहने से भूलें गलतियां बहुत होती हैं, देह अभिमान में रहने से हम जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वरीय जीवन में हमने दादियों को देखा, हमने बड़े भाई बहनों को देखा जिन्होंने पूरा जीवन ईश्वरीय स्नेह में, ईश्वरीय सेवा में और इस पुरुषार्थ में कि कैसे आत्मिक स्थिति में रहा जाए, आत्मानुभूति में रहा जाए, विदेही कैसे रहा जाए। यही कारण था कि जीवन के लंबे लंबे समय तक 100 वर्ष के करीब होते हुए भी दादियों ने ईश्वरीय जीवन में अमृत वेला मिस करती हूँ या बाबा की मुरली मिस करती हूँ कभी भी हम सब ने नहीं देखा। उनके जीवन का ये लक्ष्य ही नहीं, ये केवल उनका जीवन, पूरा जीवन ही बन गया था। जब भी दादियों के पास जाओ तो क्या मिलता है? आज बाबा ने कहा रात से ही मुरली पढ़ना, सवेरे भी अध्ययन करना, फिर मुरली सुनाना और फिर दिनचर्या में वही चीज दोहराना। कोई मिलने आ रहा है तो दादियां मिलती हैं तो वही पूछती हैं कि आज बाबा ने क्या कहा, और जो बाबा कह रहे हैं बस उसी धुन में, जैसे साकार में बाबा ने धुन लगा दी प्रारंभिक दिनों में। क्या धुन लगाई याद है? बाबा डायरी लिखते थे और डायरी में था कि मैं आत्मा हैं, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, मन मंत्री, और इसकी पूरी डायरी बाबा लिखते थे। वही अनुभूति बाबा आज कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बनो, आत्मज्ञानी बनो, क्योंकि बिना मालिक बने ये इंद्रियां हमको बहुत परेशान करती हैं, भगाती रहती हैं, दौड़ाती रहती हैं। आत्मानुभूति में ही सच्चा आनंद है, आत्मानुभूति में ही यहाँ की परमात्मा अनुभूति भी है। दुनिया के लोग तो आत्मानुभूति को समझते हैं बस अपने में रहो, लेकिन देखने में आता है कि आत्मानुभूति के बिना परमात्मा अनुभूति हो नहीं सकता है। तो आत्मानुभूति करने के लिए ये नेचुरल हो जाए कि मैं आत्मा
शरीर में विद्यमान हूँ, कैसे मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा काम करा रहे हूँ, कैसे देख रहे हूँ, सुन रहे हूँ, बोल रहे हूँ, चल रहे हूँ। और इसी स्थिति ने दादियों को कर्मातीत बना दिया, दादियों को नष्टोमोहा बना दिया था, दादियों को उपराम कर दिया था। दादियों की स्थिति आत्मानुभूति के सारे दिन कभी कोई भी आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर पाया, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना वैभव और ना कोई की स्थिति कभी प्रभावित नहीं किया। हम सबको भी स्वयं से इस पुरुषार्थ को बहुत गहराई से करना चाहिए।